तो थोड़ा सा पीच उच के बारे में बात कर, देखो तो ड्यू तो नहीं गिरेगा ना आज का फर्स्ट सेमीफाइनल किला और घोड़ी कला के बीच खेला जाएगा। हमारे गांव के लड़के लोग आ गए, दर्शक फुल सपोर्ट करना है ना बाबू, छक्का चौका पड़ने से हुड़हुड़ी देना है। अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हुए इलाके सभी खिलाड़ी खिला ओवर लेके आए हैं हमारे घनश्याम भैया। अब देखते हैं ये क्या कर पाते हैं, ये ऑलराउंडर है। ओ प्लेयर का क्या नाम है जो मारे, यहाँ पे रन आउट शायद होने का बहुत ही ज्यादा चांस है। देखिए उत्सुकता, जीतवाना है दादी, भैया 8 ओवर तक कितना बनने का चांस है। इनका नाम चिरकुट भी है, निक नाम। आप लोग सब यही लोकल से हैं कि घोड़ी कला के सपोर्ट से आए हैं? छक्का के लिए बोल रहे थे कि नेक्स्ट ओवर लेके आए हैं हमारे दमान जी। अच्छा कप्तान साहब सुनिए ना, इतना रन बोल जगू भैया का। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपको हमने दिखाया हमारा जसपुर का चाय बगान, हम लोग जस्ट जसपुर से आए और अभी के ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे। देखिए मेरे पीछे साइड, मतलब मैं जिस जगह में हूँ वो तो मैदान है बोलिए, और आप लोगों को जो जो देखे होंगे हमारा वीडियो लोगों को पता होगा कि हमारे गांव का, मैं पिछले बार फाइनल बोल रहा था पर सेमी फाइनल है, अगर उसमें जीतेंगे तो फिर फाइनल में पहुंचेंगे। तो 2 मैच है अभी हम लोग का, बाकी इस जगह का नाम है करगा बहला। करगा महला के मैदान में अभी हैं बोलिए, तो यहां मिलिए हमारे प्लेयर लोग से। फिलहाल भैया ही आए हैं, बहुत बहुत आपको बधाई सेमी फाइनल की। और कौन कौन आए हैं हमारे प्लेयर में से? अभी सब कोई आए हैं, आगे 8 प्लेयर हैं। तो वहाँ तो 2-3 ही दिखे, बाकी लोग कहाँ हैं? लोग नहीं आ पाए हैं। तो थोड़ा सा पीच उच के बारे में बात कर, देखो तो ड्यू तो नहीं गिरेगा ना, राहुल चेक करो थोड़ा सा। तो इसमें तो देखिए गोबर से लिपाई पोताई हुआ है, तो इसमें शायद पिछले में ड्यू गिरा था क्या? गिरा था, मतलब थोड़ा ज्यादा रात होता है, बादल करता है ना, तो जैसे ड्यू गिरने से किसको ज्यादा सहायता मिलता है, जैसे बाद में जो बैटिंग करता है उसको फायदा मिलता है कि बॉलिंग करता है जो बाद में उसको बॉलिंग करता है उसको फायदा मिलता है? दोनों टीम के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है तो मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ। बाकी देखिए बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बाउंड्री में पूरा लाइट लगा दिया गया, ये पावर प्ले वाला लाइन है देखिए इसमें भी, ताकि कोई जैसे तो चले, हम तो भगवान से ही दुआ करेंगे कि हम सेमीफाइनल से फाइनल पहुंच के ट्रॉफी को ले जाएं घर सीधे। बाकी लाइट ये वाला लगाया गया देखिए, ये अच्छा जुगाड़ है क्योंकि जैसे दूर से रात है एक तो, और एम्पायर लोग को निर्णय लेने में बहुत ही आसान। देखिए बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया गया है। तो हम लोग आ रहे थे तो काफी दूर से हम लोग को दिखा, इधर से हम लोग आए तो मेरे को लगा ही था इतना अच्छा व्यवस्था है कि पिछले बार मैं जब ब्लॉग बनाया था उस समय तो इतना अच्छा लाइट वाइट का जुगाड़ नहीं था बोले, बाकी आज वीडियो बनाने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए गाइस यहाँ के घास को देखिए, जैसे अपन लोग इंटरनेशनल जो मैदान देखते हैं उसी टाइप का ही लग रहा होगा। बाकी ये हम लोग के साइड का जो गाय बैल खाते हैं वही वाला है, बाकी ऐसा मेंटेन में इसको सारे जगहों में बराबर मात्रा में कटिन किया है टाइप का लग रहा है, लेकिन नहीं किया गया है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। देखिए पूरा प्लेन एकदम, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अभी सब प्लेयर लोग नहीं आए हैं, आने के बाद सबसे आपको मिलाता हूँ बोलिए। बाकी जो जो टीम इसमें हिस्सा लिए हैं उन लोग में से कुछ कुछ आए हैं बोलिए, बाकी समितिगण यहाँ हैं और इधर कुछ कुछ दुकानें हैं कुछ कुछ खाने पीने के लिए। आज का फर्स्ट सेमीफाइनल किला और घोड़ी कला के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन है कि वे मंच के पास संपर्क साधें ताकि मैच प्रारंभ किया जा सके। हमारे गांव के लड़के लोग आ गए, दर्शक फुल सपोर्ट करना है ना बाबू, छक्का चौका पड़ने से हुड़हुड़ी देना है, हुड़हुड़ी देना है ना। चलो ठीक, यहाँ से देखते हैं क्या दुकान है। भैया कुछ कुछ खाने के लिए राहुल लोग आए हैं, अरे एग और क्या क्या बनता है यहाँ, चना मुर्रा एग है। चले घोड़ी कला और हमारे टीम के जो कप्तान है छोटू हमारे, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अभी टॉस होगा उसके बाद निर्णय लेंगे बोलिए क्या करना है क्या नहीं। होटल यही है हमारे टीम मेंबर लोग, देखिए यहाँ से मिलाता हूँ इनसे, ये हमारे बल्लू जी हैं और बहुत बहुत बधाई आप लोग को। घनश्याम जी बहुत बहुत बधाई, विष्णु ये लोग दर्शक लोग हैं, इधर देखते हैं चलिए।
लाइन से दिखाता हूँ, ये गोढ़ी कला के टीम है। जितने लोग भी यहाँ दिख रहे होंगे आपको, सब गोढ़ी कला से हैं। इन्हीं लोग के साथ टक्कर है आज, तगड़ा वाला, एकदम मजा आने वाला है भैया। और इधर जो देख रहे हैं ये लोग, सब हमारे प्लेयर लोग हैं। कप्तान साहब, उप कप्तान कौन है? तीन तीन लोग का तो आवाज आ रहा है, तीनों लोग हो गए। अच्छा अच्छा, सब लोग। चलिए ठीक, यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं वो भेंट मुलाकात यहाँ से हो रहे हैं, उसके बाद मैच को आगे बढ़ाया जाएगा। बोलिए, टॉस होने वाला है, अब देखते हैं किसके पाला में गिरता है। अच्छा, छुपाने वाला है। अरे क्या यार, टेल आ गया, जीत गए। बोली अच्छा, निर्णय नहीं लिए हैं, चलिए चर्चा चर्चा कर रहे हैं क्या करना है। स्कूल वाला फीलिंग आ गया आज। अच्छा क्या लिए ये लोग, निर्णय क्या हुआ? अच्छा, बहुत सलाह मसूरा लगेगा, लग रहा है। कितना देर लगेगा भैया निर्णय लेने में? पहले बैटिंग ले रहे हैं, चलिए बैटिंग। पहले गोढ़ी का बैटिंग है, इला फील्डिंग करेगी। अच्छा अच्छा, इला फील्डिंग। आप तो गोढ़ी से है ना? नहीं नहीं, नहीं आप किधर से खेल रहे हैं? चले चले फील्डिंग के लिए। यहाँ पे हमारे टीम मेंबर सभी जा रहे हैं मैदान के चारों ओर को घेर ले। बोलिए, और इधर देखिए लोग अभी भी कैसे क्या करना है बोल के अपने कप्तान साहब लोग को सलाह मशवरा दे रहे हैं, कितना ओवर तक कितना मारना है वही सब। बोलिए, टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से देखिए हमारे गाँव से काफी लोग आए हुए हैं। हमारे राहुल भाई तो हमारे साथ ही पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, और इधर से देखिए ये भी शायद हमारे ही गाँव को सपोर्ट करने के लिए ये भी हमारे भैया आए हुए हैं। और ये भी हमारे टीम में से खेलते हैं, पर अभी शायद कितना प्लेयर का है, 11 की 8। अच्छा 11 में रहता तो शायद ये खेलते, 8 में भी खेलते हैं, पर शायद इनको आज रेस्ट दिया गया है। इससे पहले खेले थे? हाँ खेला था। चलिए, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं, कभी दिखाएंगे आपको। वैसे गाइस, हमारे टीम में प्लेयरों का बात करें तो मैं तो आपसे मिलाना ही भूल गया। हेलो भैया लक्ष्मण, उधर विष्णु, और हमारे कप्तान छोटू, और इधर देखिए सुरेश भाई हैं, नवीन, बसंत, अमान जी और अरुण भैया। यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा चल रहा है कैसे गेम को लेके जाना है। यहाँ से देखिए कैसे करते हैं, नागरिक है यहाँ पे आकर अपना विराजमान करेंगे, अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हुए इला के सभी खिलाड़ी कुछ क्षणों में यह मैच स्टार्ट हो जाएगी। गजब, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक। ओवर लेके आए हैं हमारे घनश्याम भैया, अब देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी जबरदस्त करते हैं। अभी तो थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है। बोलिए, चलिए इसमें ट्रायल वगैरह तो शायद नहीं खिलाते हैं, ट्रायल बाल थोड़ी चलता है इसमें। ओ चौका है, सॉरी छक्का बता दिया था। प्लेयर का क्या नाम है जो मारे? देवा। यहाँ पे रन आउट शायद होने का बहुत ही ज्यादा चांस है, देखिए उत्सुकता। रन आउट हो गया, रन आउट हो गया, मार दिया। बल्लेबाज यहाँ से देखिए राकेश जी जा रहे हैं, और उनका साथ देंगे राजेंद्र। ओ बहुत ही जबरदस्त बॉल से संपर्क हुआ है तो बताया जा रहा है सर, वो आउट हो गया, आउट हो गया। दो विकेट चटका चुके हैं एक ही ओवर अभी भी। आप लोग सब यही लोकल से हैं कि गोढ़ी कला के सपोर्ट से आए हैं? लोकल यहीं से हैं। चलिए, अभी भी पहला ओवर जारी है, और अभी जो बल्लेबाजी करने आए हैं उनका नाम है तुलेश्वर। अब देखते हैं घनश्याम भैया का अगला बॉल इनके ऊपर क्या कमाल करके दिखाता है। हम तो चाहेंगे फिर से एक बार झड़ी लग जाए, कम से कम हैट्रिक लगातार हो जाए। ओह
है। चलिए अगला जो ओवर लेके आ रहे हैं वो हमारे कप्तान साहब छोटू भाई, यहाँ से देख सकते हैं ये जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी इनका देख लीजिए और बॉलिंग भी। बहुत दूर दूर तक ये गए हैं खेलने के लिए और इनका खेल आज आपको दिखाएंगे सीधा लाइव। ये जहाँ पे रहते हैं जिस टीम में 100 में 50 तो नहीं बोलेंगे लेकिन 30-40% इनका हाथ रहता है जितवाने में, इनके ऊपर काफी बेट भी लगता है जैसे कई लोग ऐसे लगाने वाले रहते हैं। बोलिए चलिए पहला बॉल यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे आउट होने का पूरा चांस है, चलिए होता है। अगला बॉल देखते हैं छोटू भाई का, फिर से उठा दे रहे भाई, अरे 4 रन आ गया। बाकी देखिए दर्शक गण यहाँ पे देखिए हजारों की तादाद में तो नहीं बोलेंगे, बाकी बहुत सारे आए हैं। ये देखिए हमारे भैया भाई सभी लोग पहुंचे हैं यहाँ, आ ही रहे हैं अभी तो। अगला बॉल देखते हैं छोटू का क्या कर पाते हैं, 4 रन। दो ओवर के बाद पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हो गया, फैलेंगे बोले। अगला बॉल लेके हैं हमारे बल्लू भैया, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ से। चले बहुत ही अच्छा बॉल सिंगल के लिए, बस चले दर्शक गण आ ही रहे हैं। बोलिए यहाँ से देखिए जीतवाना है दादी, तो किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते, बोले जो जीते उनके लिए, मतलब दोनों साइड है आप, है ना, कोई भी जीते। यहाँ पे छोटू जबरदस्त कैच लेते हुए यहाँ पे बल्लेबाज के रूप में, यहाँ पे देखिए संतोष जो इस गोढ़ी कला के टीम के कप्तान साहब हैं। बाकी चले अभी और मजा आने वाला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है गेम, बोले बल्लेबाजी अभी आया नहीं हुआ है, इतना रन भी बने चेस करने का दम रखते हैं, इतना जबरदस्त टीम है अपना। बोलिए 3 ओवर की समाप्ति पे 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे और शुरुआती कोई खास रहा नहीं अभी तक देखा जाए तो गोढ़ी के दृष्टिकोण से। और अभी पावर ओवर जो चलना है जो कि नियम के तहत जो कि हर एक जो रन जो होगा वो डबल काउंट किया जाएगा, लेकिन बल्ले से होगी वही डबल रन होगा। प्रेस भैया 8 ओवर तक कितना बनने का चांस है, जो कि छोटू जीत जाएंगे ना छोटू की अगली गेंद यहाँ पे कहाँ गया, रे बहुत दूर चला गया। छक्का है कि छक्का है दादी, छक्का है कि चौका देवो, तुमन तो बताओ समिति हवा चौका दे नहीं बनती नहीं बन छोटू फेंकने वाले थे लेकिन सोच में पड़ गए कहाँ पे डालना है, अब नेक्स्ट बॉल में सीधा इसको उड़वा देंगे वैसे सोचे होंगे शायद स्टंप को, देखते हैं उड़ा पाते हैं कि नहीं। ओ 6 रन उड़ा दिए, 4 रन। नेक्स्ट ओवर लेके आए हैं हमारे दमान जी, एजे नाम है अजय यादव, अभी इन्हीं के घर शादी हो रहा था का। देखते हैं पहला बॉल यहाँ पे कैच होना तो चाहिए, यहाँ पे फील्डर कोई भी अच्छा, चलिए 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 1 रन हुआ। अगली बॉल हमारे दमान जी की, देखते हैं यहाँ पे विकेट का तलाश है, कैच तो उठा है भैया, ओहो थोड़ा सा अकेले नहीं पहुँच पाए, बोलिए बाकी चलिए डबल, अरे 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 2 रन, ओहो हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगली बॉल देखते हैं हमारे दमान जी का, यहाँ पे केस तो उठा है, अच्छा अच्छा फील्डिंग ले ली, ओ थ्रो पड़ गया, आउट भी हो गए भैया, अच्छा नॉट आउट, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 6 ओवर 63 रन, कितना विकेट हुआ है भैया, 4 विकेट, 4 ना, चार विकेट और बचा है, नहीं जाएगा। 2 ओवर में कितना बना लेंगे आप लोग गोढ़ी कला से, है ना 80 बनाएंगे 2 ओवर में कि टोटल 80 बनाएंगे, टोटल 80 में मजा आएगा। हाँ भाई टक्कर का होना चाहिए तब तो, कुनकुरी को 78 में हराए हैं ना, अरे बहुत बहुत बधाई आपको, आज भी एक कर दिए थे, अरे चलिए आज का मैच मजा आने वाला है कैसे। यहाँ पे 2.5 मिनट का इनिंग ब्रेक दिया गया था वो पूरा हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। छक्का के लिए बोल रहे थे कि अच्छा बाउंड्री से बाहर, अच्छा चलिए आएगा आएगा आएगा, उम्मीद रखना चाहिए वैसे। लो आ रहा है, वो दे आ रहा है, ये खुशी की लहर आएगा, चाचा आएगा, निराश मत होइए आप। चलिए अगला बॉल लेके आए हैं हमारे गुरुजी बल्लू जी, चलिए वाइट, यहाँ आपके दोस्त हैं
फेंक रहे हैं वो अभी शिक्षा कर्मी। अच्छा अच्छा, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहे हैं क्या आप लोग? मुलाकात है लेकिन अभी तो हो गई। अरे खुशी की लहर देखिए, खुशी की लहर। गोड़ी का जो स्कोर है 80 रन पे पहुंचा चुके हैं संतोष, जो कि लास्ट ओवर है इस मैच का वो लेके आए हैं हमारे दमान जी। देखते हैं लास्ट ओवर में कितना रन बनता है या विकेट ले पाते हैं कि नहीं हमारे दमान जी। हम तो उम्मीद करेंगे कि विकेट गिरे या फिर ज्यादा रन ना बने। बस पहला गेंद देखते हैं, वो चलिए बीट हो गए। यहाँ पे 81 रन है, वाह 81 रन 7 ओवर 1 गेंद। बॉल देखते हैं, ओ जोरदार मारने का प्रयास लेकिन सिर्फ सिंगल के लिए। यहाँ पे अरे डबल दौड़ दिए, मिसफील्ड हो गया यार वहाँ पे। तो रिप्लाई तो नहीं दिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 360 कैमरा नहीं लगा है ना चाचा। क्या बोलेंगे भैया, चलिए सॉरी। अगला बॉल लेके आए हैं, देखते हैं। चलिए बीट, जबरदस्त बॉल भैया। अभी का बॉल पसंद आया कि नहीं आपको? खाली बैटिंग को ही बोलेंगे तो थोड़े होगा भाई, बॉलिंग का भी सम्मान कीजिए, ठीक है ना। चलिए गोड़ी कही है, बाकी देखिए बॉलिंग का सम्मान किए। यहाँ पे देखते हैं, चलिए जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पे, वाह। मैन ऑफ द सीरीज जो होंगे उनको भी कप दी जाएगी। इसी बीच अगली बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट, जबरदस्त बॉल है भैया, एक तरफा फेंक रहे हैं। दिल जीत लिए हमारे दमाद आज हमारा, एक ही तो दिल है कोका। कितना बार जीतेंगे? 25,000 बार। चलिए अगला बॉल देखते हैं हमारे दमाद जी का क्या करते हैं। बस विकेट की तलाश है हमें तो। एक ही रन बस, डबल डबल हो गया। अरे 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 आउट, चलिए चलिए आउट है, आउट है कोका, आउट है रे, आउट है। 8 ओवर में 89 का टारगेट है ना, 89 बनाना है अपने को। कला को 9 रन बोनस मिला है, 9 रन बोला। दिखाते हैं बाप हम हमारे टीम का धुआंधार बल्लेबाजी। देखिए लंगोटिया यार लोग मिलने वाले हैं अभी। आपका बहुत तारीफ हो रहा था, शायद आप ही लोग एक ही विभाग से हैं। अच्छा 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 अच्छा, कप्तान साहब सुनिए ना, इतना रन 89 का टारगेट मेरे तो बरकरार पड़ गया है लग रहा है। मैंने देखो क्रिकेट का खेल है, जीत रहे हैं ना, पूरा कोशिश आराम से जीतते हमने हमारा। बस घर घर पिच का निकल, 8 गोल का फील्डिंग है यार। बस तो गलत थोड़ा कहा, यही समिति है कि नहीं? समिति नहीं है यार, वो एक जन है तो उसको देखने आया था। अच्छा, अगर जीतना है मैच तो किसी को रसल, तो किसी को क्रिस गेल, तो किसी को धोनी बनना पड़ेगा। बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं हमारे घनश्याम भैया और उधर हमारे कप्तान छोटू भैया। बॉल यहाँ पे देखिए, छक्का हमारे छोटू भाई, पहला बॉल पे छक्के सिक्के साथ शुरुआत करते हुए। यहाँ अगला बॉल छोटू के लिए, देखते हैं यहाँ पे 4 रनों के लिए। तीसरा बॉल देखते हैं हमारे छोटू भाई क्या करते हैं। यहाँ पे बीट हो गए, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 रन, जबरदस्त अभी भी रन है। हम लोग को प्रति ओवर 11 रन चाहिए, बाकी चलिए कोशिश जारी रहेगा। चेन्नई जैसे टीम हार सकती है तो हम तो चाहेंगे जीतना। अरे विकेट गिर गया। अगले बैट्समैन गए हैं हमारे दमान जी, वहां से देख सकते हैं। बाकी जबरदस्त ये अपना किरदार निभा के हैं, एक ओवर में 11 रन चाहिए था, ये अपना भूमिका दे चुके हैं। सबको 11-11 रन ठोकना है एक ओवर में, उसके बाद हो जाएगा। संतोष जी की अगली बॉल हमारे भैया के लिए, देखते हैं यहाँ पे 6 रन, वाह। बॉल यहाँ पे घुमा के मारा है, 4 रन, चल दे भाई, चल दिया ना। अभी हम लोग को छक्का चाहिए, छक्का। हिट हो गए भैया, बहुत जबरदस्त स्विंग हो रहा है ना, स्विंग बहुत जबरदस्त हो रहा है ना। 2 ओवर 20 रन, अच्छा ही जा रहा है ना, 2 रन कम है बस। प्रति ओवर 11 तो चाहिए, 22 होना चाहिए, 20 है कोई बात नहीं, एक ऑटो नो वाला आएगा तो 6 पड़ जाएगा। काफी दर्शक यहाँ मौजूद रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता। पहला इनाम 36,000, दूसरा इनाम 15,000। गाइस इधर हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, देखते हैं मेरा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो? और तुम्हारे साथ वो तुम्हारा भाई है, वो भी देखता है, वो काहे शर्मा रहा है? आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ मिला ले, हाथ मिला ले, शर्मा क्यों रहा है?
हमारे सब्सक्राइबर छोटे नन्हे मोटे चले पहचाने, लाइक करने जानते हो, शेयर भी कर देना। तुम लोग का नाम तो बता दो, नाम और तुम्हारा। चलो ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे देवा जी बॉल लेके आए हैं हमारे दमान जी के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। हम तो चाहेंगे छक्का और चौकों से बरसात हो जाए आज, बिन मौसम बरसात छक्का चौकों का। सब काफी आए हैं, देखिए सब हमारे गांव के इधर जितने भी दिख रहे होंगे सब दर्शक हैं, सब फाइनल को उठाने के लिए यहां पे समर्थन करने आए हैं। बोलिए, बाकी अभी सेमीफाइनल चल रहा है, अगर इसको हम लोग जीते हैं तो फाइनल जीतेंगे 36,000 बोले पहले 25 सेकंड 15। फाइनल पहुंच चुका है क्या कोई? ओ चलिए, यहाँ पे छक्का मार दिए हमारे दमान जी मारे हैं ये। नहीं, इनके बाद किन का मैच होगा? अच्छा, उनमें सेमीफाइनल होगा ना, जो जीतेगा इनमें, जो जीतेगा उनके साथ फाइनल। चलिए ठीक ठीक। देवा जी की अगली बोल हमारे घनश्याम भैया के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे 4 रनों का प्रयास था लेकिन 4 रन मिल ही जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जा रहा है, रन रेट ठीक जा रहा है कि पावर ओवर होने वाला है। जैसे 1 रन बनाने से 2 रन उसको गिनाएगा, है ना। 6 गेम में 6 भी बनाए तो 12 होगा, 3.5 बनाए तो 6.5। सुपर ओवर का मजा लेते हैं, 1 में 2, 2 में 3, ये 1 तो आ गया। चलिए ये 2 रन गिनाएगा, चलिए 2 रन आ चुका है। अगली बॉल देखते हैं, यहाँ पे बीट हो गया यार, कोई बात नहीं। हे प्रभु, हे हरि नाम, विष्णु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सुपर ओवर में रन नहीं आ रहा है। नया गेंदबाज तूले जी हमारे दमान जी को बॉल डालेंगे, यहाँ पे बरसा दिया है 6 रनों के लिए। नो बॉल है भैया। फ्री हिट जाएगा ना, है कि नहीं? इसमें फ्री हिट लाइसेंस मिल गया है कहीं भी मारने का, फ्री हिट के रूप में। यस, छह है बाबा, जबरदस्त। पानी लेके जा रहे हैं हमारे कप्तान साहब, लेकिन यहाँ तूले की अगली गेंद हमारे घनश्याम भैया के लिए। चले चले चले, बहुत ही सिंगल सिंगल सिंगल, चल चलो 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 चलो, एक रन और। पलट रहा है, रहा है मैच, अब आएगा मजा। चलिए तूले की अगली गेंद, ओ बोल्ड हो गया यार, कोई बात नहीं। चलिए डायरेक्ट चला गया स्टेम में, कोई बात नहीं। चलिए बहुत ही अपना भूमिका यहाँ पे अदा करते हुए हमारे दमान जी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी करके आ रहे हैं। बोलिए, चलिए नए बल्लेबाज यहाँ पे हमारे गुरु जी जा रहे हैं पे। आउट हो गए यार, घनश्याम जी आउट हो के आ रहे हैं। अभी भी बहुत ही एक से एक धुरंधर अभी तो बाकी हैं। देखिए हमारे सुरेश जी यहाँ पे चिरकुट जा रहे हैं, अब अगले बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जग्गू यादव नाम है इनका, भाटा मुड़ा से हैं। हमारे बल्लू गुरु जी को बॉल डालेंगे, अभी बॉल को सामना करेंगे हमारे गुरु जी। या चार राजा भैया, चार राजा रे, दो देके जाएगा, 3। वाह, कैसा झलक रही है सबके चेहरे में यहाँ से, देखिए सब चिंता में डूबे हुए हैं, क्या भी करेंगे। आज किस्मत हमारे साथ नहीं, पर किस्मत तो खुद को बनाना पड़ता है, ऐसा भी लोगों का कहना है। देखते हैं आज किस्मत ऊपर से लिखा हुआ है। 34 रन की जरूरत इला टीम को, 34 रन चाहिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग है यहाँ पे, बल्लू चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे बाउंड्री अर्जित करना होगा। ओ हाँ, के खेलने का प्रयास यहाँ पे, देखिए नहीं है कैच, नहीं है रे, 4 रन, 4 रन है, 4 रन। पूछ लो वहाँ से, हमारे पास रिकॉर्डिंग है अपने पास। अभी हम लोग को 11 बॉल में 23 रनों की जरूरत है। धक धक थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि जीतने का चांस ज्यादा है अभी हम लोग का। बल्लू जी को देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे 6 रनों के लिए उठा के मारा है। रन चाहिए, 7वां ओवर का आखिरी गेंद, 7 गेंद में 14 रन। चलिए सिंगल है बस,
हमारे गुरुजी अभी रहेंगे स्ट्राइक में। ये बॉल में 13 रन चाहिए राहुल, अगर जीतेंगे तो पिच को फिर से एक बार देखने जाएंगे कितना ड्यू गिर रहा है फाइनल के लिए यार। लास्ट ओवर जग्गू डालेंगे हमारे बल्लू भैया के लिए। जीतेगा भाई जीतेगा, टीम जीतेगा। चलिए अगला बॉल जग्गू भैया का। वाह खुशी की लहर, खुशी की लहर देखिए यहाँ से। वाओ जीत गए ना। मैं आपको बोला था क्रिकेट का गेम है, एक तरफ फंसता है कभी एक तरफ बढ़िया। भैया हमें पूरा विश्वास था हम जीतेंगे करके। चलिए अगला बॉल देखते हैं। जीत गए रे भैया, उठा लिए इनको देखिए। इतना जबरदस्त 8 ओवर का मैच था, 89 का टारगेट था, जीत गए। कहां गया रे मारने वाला पानी लो मतलब हमारे YouTube फैमिली को लग रहा था कि 89 चेस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिया आप। इनके लिए एक लाइक तो बनता है, बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे गुरुजी का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा। एक मेन इंटरेस्ट आ गया, एक आपको अच्छा कुछ बोल रहे हैं हमारे प्लेयर, एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पर बोलेगा ही चलिए। आप घनश्याम भैया बताइए क्या। हमारे पूर्व कप्तान हमारे टीम का पहला फर्स्ट बॉल अगर मैं छक्का से शुरुआत किया हूँ तो रिकॉर्ड है, आज तक इला टीम नहीं हारा है। अब वो मैं छक्का से ही शुरुआत किया, इस बात का नोटिस कर लेना। जब भी इला टीम पहला बॉल अगर छक्का मारेगा तो जीतेगा, जीतेगा ही जीतेगा, इसका 100% गारंटी। 89 गारंटी देता हूँ, 5 गेंद आउट करके सुपर ओवर में। चलो राहुल को खोजा रहे, पिच का ड्यू देख ले जाएंगे। कहाँ कर समर्थन में रहा तुम? नहीं घोड़ी ला जीतवा कह रहा की इला ला आज रसल गिल और क्या बोलते हैं यार, एक जो रिटायर हो गया है वो विमल का ऐड करता है, क्या बोलते हैं लंबा बॉल वाला, क्रिस गेल का भी भूमिका अदा किया गया हमारे टीम में आज। बोलिए क्रिस गेल को जगा दिए यहाँ के, देखिए जो जो प्लेयर खेले वो लोग। बोलिए तो धड़कन क्या बोलना चाहिए, 120 का माइलेज दे रहा था, इतना ज्यादा बढ़ गया था। नहीं तो मेरे को इतना डांट दे। चलो एक बार कर लेते हैं, हमेशा करते हैं। की खुशी में कप्तान, उप कप्तान, सह कप्तान, टी कप्तान जो भी है सब अपना, देखिए यहाँ पे जो शुरुआती में किए थे अपना, फिर से जो भी अपना बातचीत कर रहे हैं कि कैसा जिस टाइप का हमने बनाया था, जो जो कहा था शायद वैसी हुआ होगा। तो क्या अभी किसका किसका मैच चल रहा है, जो अभी हो रहा है इला और गोढ़ी कला के बाद जो मैच हो रहा है? ये फरस बहार और समिति टीम, समिति बोले तो करगा भर लगे ना। दर्शक काफी दूर दूर से आए हैं, बहुत सारे लोग तो लोकल भी है समिति के, उन लोग भी देखने आए हैं। बाकी अभी भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, बाउंड्री से बाहर हम लोग को चलना पड़ेगा, तो इधर से माइक में अनाउंसमेंट कर देंगे। नो बॉल, बच्चे लोग भी देख रहे हैं। देखिए नहीं गए तुम क्रिकेट देखे आया है की नेरी क्रिकेट देखे आया है? तो गाइस चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करने का भी समय हो गया है, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो को डालने में भी मजा नहीं आएगा ना आपको देखने में भी। अब सीधा आपको फाइनल मैच दिखाएंगे, बहुत मजा आया होगा उम्मीद है आपको। और किसका कौन से प्लेयर का सबसे ज्यादा आपको देखने में मजा आया कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के लिए एक प्यार भरा लाइक तो बनता है। आपको सीधे फाइनल मैच को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, बाय।